आज मैं बना रही हूँ पास्ता, जिसे मैं बनाऊंगी व्हाइट सॉस में। इसे बनाना बहुत ही इजी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए बनाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता। इसके लिए हमें चाहिए पेन्ने पास्ता, 500 ml मिल्क, मैदा, बटर, अनियन, स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, कैरेट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक, मिक्स हर्ब, चिली फ्लेक्स। हमने एक कढ़ाई में पानी गरम कर लिया है। इसमें नमक डाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हमने जो पेन्ने पास्ता लिया है उसे डाल देंगे। पेन्ने पास्ता इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत इजीली मिल जाता है और नॉर्मली हर दुकान पे ये होता है। आप कोई और शेप का भी पास्ता यूज कर सकते हैं। इसे हम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे और देखेंगे पका कि नहीं पका। अब हम चेक करते हैं ये हुआ या नहीं, पका कि नहीं पका। एक पास्ता उठाएंगे हम और उसे कट करके देखेंगे। ये देखिए इजीली कट हो गया, इसका मतलब ये हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे, पानी से अलग कर लेंगे इसे। हमने पास्ता छान लिया है, अब हम वेजीज को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने बटर लिया, बटर को ब्राउन नहीं करेंगे, पहले ही हम ब्राउन होने से पहले ही हम डाल देंगे वेजिटेबल्स को। मैंने गाजर डाल दिया, अभी हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। सारे वेजिटेबल्स को लगभग एक साथ ही डाल देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा पकाना नहीं है इसे, बस सौते करना है। अनियन डाल देंगे, स्वीट कॉर्न डाल देंगे, वेजिटेबल्स को बहुत गलाना नहीं है, बस क्रंची होने देना है। वेजीज हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें बटर डालेंगे। मैंने 2 चम्मच बटर लिया है, लो फ्लेम पे हम रखेंगे। बटर जब तक मेल्ट होता है इसी में हम डाल देंगे लहसुन, ताकि बटर के अंदर भी लहसुन का फ्लेवर चला जाए। बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। 2 चम्मच हमने बटर लिया है तो 2 ही चम्मच मैदा लेंगे और इसे भूनते रहेंगे। मैदा और बटर का कलर चेंज हो चुका है, देखिए क्रीमी कलर हो गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे और कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे ताकि लम्स ना पड़े। इसे हम चलाते रहेंगे, रुकना बिल्कुल भी नहीं है।
देखिए सॉस गाढ़ा होना शुरू हो गया है, इसे हम चेक करते हैं ये हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए एक चम्मच को हम डालेंगे सॉस में और उसके बाद फिर चेक करेंगे। ये इसके ऊपर अगर हम ऐसे करते हैं और लाइन बनता है, इसका मतलब सॉस रेडी है। देखिए लाइन बन चुका है। अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। और जो हमारे हर्ब्स हैं उसको भी अभी डाल देंगे, ब्लैक पेपर, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स से स्वाद बढ़ जाता है, इसे मिक्स कर लेंगे। वेजीज डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कितना कलरफुल हो गया। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। वाओ कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम इसे सर्व करते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। इसे आप इस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप अपने घर में बनाइए और इंजॉय कीजिए।